क्या आपने जानवी के नेकलेस पर गौर फरमाया? दिखा कुछ खास? इतना खास कि जानवी के इस नेकलेस को देखकर वो कहावत याद आ गई, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते जनाब। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। करते हैं हम प्यार मिस्टर शिखु उर्फ शिखर से। हमको मिलना सो बार मिस्टर शिखर से। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर लंबे समय से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे के पोते और बिजनेसमैन शिखर पहाड़िया को डेट करने को लेकर सुर्खियों में है। दोनों को अक्सर साथ में कई बार स्पॉट भी किया गया, यहाँ तक कि जानवी कपूर को शिखर के साथ कई बार धार्मिक जगहों पर भी देखा गया है। लेकिन कभी दोनों ने अपने रिश्ते पर खुलकर मुहर नहीं लगाई थी, ना ही कभी इन खबरों पर कुछ रिएक्ट किया। लेकिन अब हाल ही में जानवी कपूर ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शिखर पहाड़िया के साथ अपने डेटिंग रूमर्स को कंफर्म कर दिया है। दरअसल बीते दिन जानवी कपूर अपने पापा बोनी कपूर और भाई अर्जुन कपूर के साथ मैदान की स्क्रीनिंग में पहुंची थी। इस दौरान जानवी कपूर को ऑल व्हाइट लुक में देखा गया। व्हाइट ब्लेजर के साथ व्हाइट पैंट और मैचिंग हील्स पहने एक्ट्रेस इस लुक में काफी स्टनिंग दिख रही थी। हालांकि इस दौरान जानवी की लुक से ज्यादा उनके गले में चमक रहे सिल्वर नेकलेस ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जानवी ने अपने गले में जो कस्टमाइज्ड नेकलेस पहना था उस पर उनके बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया का निकनेम शिखु लिखा हुआ था। भले ही जानवी कपूर ने कभी अपने और शिखर पहाड़िया के रिलेशनशिप को लेकर बात ना की हो, लेकिन अब उनके गले में शिखर के नाम के लॉकेट ने उनके रिलेशनशिप पर मुहर लगा दी है। इसी वजह से अब जानवी कपूर सुर्खियों में छा गई हैं। वैसे एक बार जब जानवी कपूर करण जौहर के फेमस चैट शो कॉफी विद करण में नजर आई थी, वहां पर करण ने उनसे पूछा कि उनके मोबाइल में स्पीड डायल में किसका नंबर सेव है, तो जल्दबाजी में उनके मुंह से शिखु उफ निकलते निकलते रह गया और वो हंसते हुए चुप हो गई। उन्होंने कहा, पापा खुशी और शिक। इससे पहले भी जूम को दिए गए इंटरव्यू में जानवी कपूर के पापा बोनी कपूर ने उनके रिश्ते पर पहली बार चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने शिखर पहाड़िया की तारीफों के पुल बांध दिए थे। कहा था कि वो शिखर से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें हमेशा से पता था कि वो जानवी के साथ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, बेटी का एक्स कभी नहीं बनेगा। वो ना सिर्फ जानवी बल्कि अर्जुन या उनकी भी मदद करते हैं, सपोर्ट में खड़े होते हैं, यानी कि एवरीवन इज टू हैप्पी फॉर जानवी और शिखर और सब खुश भी हैं, हम साथ साथ हैं टाइप्स। गुड टू सी जानवी। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को।